दोस्तों 2023 पूरे साल में जितने बजट स्मार्टफोन्स नहीं लॉन्च हुए ना, उतने मुझे लगता है पहले दो महीने में ही लॉन्च हो गए 2024 में। और उनमें और एक आ गया है दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से Hot 40i। जी हाँ, इसमें खासियत ये है कि इसमें 8GB रैम, 256GB स्टोरेज आपको 9,000 रुपीज के नीचे मिल रहा है। यस, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द चीपेस्ट 256GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन। वैसे इसके ऊपर 16GB लिखा हुआ है, 8GB रैम फिजिकल एंड 8GB वर्चुअल। चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन करने वाले, सब कुछ बताने वाले। सिर्फ स्टोरेज ही नहीं दोस्तों, इसका कैमरा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। इतने सारे लोग आते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं, फायदा होता है, फोन भी खरीदते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डू दैट। ऑलराइट, ब्लू बॉक्स, ब्राइट ग्रीन बॉक्स, हॉट 40i लिखा हुआ है, 90Hz का पंच होल डिस्प्ले है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह नहीं है, चलिए गुड। 18W का चार्जर आता है, USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है, सो दैट इज एक्सीलेंट। देन सिम कार्ड टूल आता है, यस, डॉक्यूमेंटेशन भी है, वो तो होना ही है, एंड देन यू ऑल्सो हैव द केस भी आती है। अरे वाह, लुक एट दैट, कैमरा मॉड्यूल बड़ा है, कौन से फोन जैसे दिखता है जरूर बताइएगा। सो या, नाइस, गुड क्वालिटी केस। चलिए ये सब रखते हैं साइड में, नाउ लेट्स लुक एट द फोन। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, हॉट 30i जो पिछले साल लॉन्च किया था, हमने उसका वीडियो भी किया था, फ्लिपकार्ट पे सुपर पॉपुलर था, कुछ 1.25-1.5 लाख के करीब रेटिंग्स आए थे, मतलब सोचिए कितना बेचा गया। और उसमें से इन्फिनिक्स को एक बात पता चली, बेसिकली उन्होंने फीडबैक लिया लोगों से कि भाई एक तो डिजाइन उन्हें अच्छा चाहिए था, स्टोरेज इनफ नहीं हो रहा था, एंड बजट सीरीज में कैमराज अच्छे नहीं होते। तो ये जो तीन चीजें, इसके ऊपर उन्होंने हॉट 40i के साथ ज्यादा फोकस किया है। लुक एट दैट डिजाइन। एक बात कहूं, अभी जो 10,000 के नीचे वाले फोन से उनके जो डिजाइन आए हुए ना, वाओ, किसी से भी पूछोगे ऐसे नहीं कहेंगे यार ये बजट सीरीज का अंडर 10,000 वाला फोन है। इन्फिनिक्स 40i भी दिखने को दोस्तों, लुक एट दिस, लुक्स रियली नाइस। कैमरा मॉड्यूल वगैरह देखिए, ऐसे लगता है कि लिटरली फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मॉड्यूल होता है ना, वैसे ही कुछ है। एंड दोज रिंग्स आर आल्सो ब्लू कलर, तो कलर कोऑर्डिनेटेड है। इवन द फ्रेम, ये प्लास्टिक फ्रेम है लेकिन ऐसे स्टील के जैसे लगती है, सो इट इज रियली नाइस, प्रीमियम क्वालिटी हाथ में लगता है, दिखने में भी है। सो नाउ यू हैव क्रोम फिनिश, इन्फिनिक्स इसे कहता है स्टार फॉल डिजाइन, और इधर क्वाड LED फ्लैश भी है, नाइस, वेरी वेरी नाइस, इन हैंड फील वेरी डिसेंट, मतलब बिल्कुल भी बड़ा है दोस्तों बट इतना हैवी नहीं लगता। It is probably less than 195 grams, less than 195 grams कहूँगा, let's see, बड़ा है यार लेकिन, I don't know, again, let's see, 189 grams है दोस्तों, that is right, not on very heavy side, ठीक ठाक है। स्क्रैच गार्ड आता है, निकालते हैं, सम सैटिस्फैक्शन मोमेंट, लेट्स सी, आवाज नहीं 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 नहीं, नो साउंड, सैड। ऑलराइट, चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। वैसे वो ये जो क्रोम फिनिश है ना, अच्छा लग रहा है। 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है जो फ्लश है एकदम, मतलब ज्यादा यानी फ्लश बटन है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे मिलता है जो कि let's see डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है, सो यू कैन एक्सपैंड द स्टोरेज, एंड दो ड्यूअल नैनो सिम कार्ड्स का स्लॉट भी है। ऑलराइट, प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है दोस्तों बट फोन तो गिराने वाले हैं, लेट्स डू दिस, 1 2 एंड बूम, सम क्रैकलिंग साउंड, नहीं 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 कुछ नहीं है, चलिए इधर से गिराते हैं, लेट्स डू दिस, 1 2 एंड बूम, एब्सोल्युटली नथिंग, यस, डिसेंट। चलिए बाहर से देख लिया, अब देखते हैं अंदर से। वैसे अगर सब्सक्राइब करना अभी तक भूल गए होंगे, पहले बताया था आपको, जब तक स्टार्ट हो जाता है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऑलराइट, डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 6.6 इंच का HD प्लस 90Hz का डिस्प्ले, पंच होल आता है विद मैजिक रिंग। दोस्तों स्टार्ट होने में इसे टाइम लगा मुझे, यू नो इट रियली टुक टाइम टू स्टार्ट, सो उधर थोड़ा डिले है, बट डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 89% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, साइड के बेजल जो है पतले हैं, ऊपर का जो बेजल है वो भी पतला है, चिन एवरेज साइज का कहूंगा, ओवरऑल मॉडर्न लुकिंग डिस्प्ले फॉर श्योर। व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करूं तो डिसेंट व्यूइंग एंगल्स भी है, सो दैट इज देयर। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जो भी फोन्स अभी कम से कम 6-7 फोन हमने रिव्यू किए हुए हैं दोस्तों अंडर 10,000 के बजट सीरीज के, सब आजकल यूनिसॉक T606 इस प्रोसेसर पे आते हैं, दिस इज नो डिफरेंट, सेम प्रोसेसर, 250,000 260,000 के ऊपर अंतुदु स्कोर आता है, वेरी वेरी पॉपुलर प्रोसेसर इन बजट सेगमेंट। वैसे इसकी एक जो खासियत है वो है 8GB रैम फिजिकल, 8
8GB वर्चुअल रैम एंड 256GB स्टोरेज। जी हाँ, इसमें 128 भी नहीं है, 256GB स्टोरेज, 8999 LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी आता है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। 5000 mAh की बैटरी है, 18W चार्जिंग है, आराम से आपको दिन भर जाएगा, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, लो टू मीडियम सेटिंग्स पे गेम्स वगैरह खेल पाओगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट हाँ लो सेटिंग्स पे ही खेलिए, ज्यादा हाई पे जाने की कर ही नहीं पाओगे। वैसे ज्यादा रैम होने की वजह से जो ऐप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, बैकग्राउंड में जो एप्स रखते हो आप, 15-18 एप्स आप बैकग्राउंड में रख सकते हो एंड दे विल नॉट गेट क्लोज्ड ऑप्टिमाइज्ड, सो दैट इज गुड थिंग फॉर श्योर। दोस्तों ओएस के बारे में बात करूं तो इसमें XOS 13 आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। अब इधर ये भी कहना चाहूंगा कि अब दोस्तों इवन इफ इट इज अ बजट फोन, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, सो दैट इज देयर। और अपडेट्स के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। एक चीज अच्छी है, थर्ड पार्टी एप्स वगैरह हैं दोस्तों, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जो आप यूज करते हो, स्पॉटिफाई वगैरह ऐसे सब एप्स हैं, बट दे आर देयर। एंड फीचर्स के मामले में भी किड्स मोड, पीक प्रूफ, मतलब जब आप कुछ काम कर रहे हो, यू डोंट वांट अदर्स टू सी, पीक प्रूफ मोड आप इस्तेमाल कर पाओगे, तो वो सब फीचर्स आते हैं इसमें। बट हाँ, जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, एंड्रॉइड 14 होना चाहिए था और अपडेट्स के बारे में एटलीस्ट एक साल का अपडेट इट शुड हैव बीन देयर। ऐसे एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, रिवर्स चार्जिंग मोड भी आता है, इसका मतलब वायर से दूसरा फोन भी इसके साथ आप चार्ज कर पाओगे। वैसे इसमें बैटरी में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी आता है, तो बैटरी कम है और ज्यादा एक्सटेंड करनी है बैटरी लाइफ, यू कैन डू इट। दोस्तों सेंसर्स के बारे में बात करूं तो अगेन सभी सेंसर आते हैं, लेकिन जायरोस्कोप सॉफ्ट है बट इट इज देयर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली दोस्तों 4G है, 5G नहीं है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, 4G वोल्टी कॉलिंग वगैरह वो सब चीजें हैं। मल्टीमीडिया, बड़ा डिस्प्ले है, डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले, सो इट इज ओके। ऑब्वियसली IPS डिस्प्ले, आप ज्यादा महंगे फोन के साथ इसे कंपेयर नहीं कर पाओगे, बट प्राइस रेंज में डिस्प्ले अच्छा है। बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं, DTS साउंड का सपोर्ट है, सो दैट इज गुड। ऑलराइट, दो चीजों के बारे में तो बात कर ली, जहां पे मेरे हिसाब से जो फोकस एरिया है कि डिजाइन के मामले में अच्छा दिखने वाला, स्टोरेज के मामले में 256GB है। अब कैमरा में क्या किया है, तो आपको 50 MP 50+ AI से डुअल कैमरा मिलता है, बट हम 50 MP के बारे में बात करेंगे। रेयर में 50 MP का सेंसर मिलता है, आगे सेल्फी में 32 MP का सेंसर है। आई थिंक दैट इज डेफिनेटली अ फर्स्ट फॉर अंडर 10,000, फॉरगेट अंडर 9,000, अंडर 10,000 में भी आपको 32 MP नहीं मिलता है, इसमें है। बट आप पिक्सल बिनिंग करके 8 MP से ही निकालते हैं, फिर भी इट इज क्वाइट गुड। पिक्सल बिनिंग की वजह से ऑब्वियसली जो इमेज की क्वालिटी है वो बढ़ती है। और हाँ, फीचर्स के बारे में बात करूं तो नेटिवली आप पीछे से 50 MP आगे से 32 MP के फोटोज निकाल पाओगे। और दोस्तों इंडिया का ये पहला 32 MP का सेल्फी कैमरा है विद फ्लैश। बहुत सारे फोटोज हमने लिए हुए हैं, जी ड्राइव की लिंक जैसे हमेशा देता हूं अनबॉक्सिंग में वैसे दी हुई है। अगर आपको देखना है, खरीदना है, जरूर जाके ओरिजिनल क्वालिटी में देखिए सब फोटोज, फिर डिसाइड कीजिए। और मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में अगेन इट गिव्स यू डिसेंट फोटो क्वालिटीज। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, शॉर्ट वीडियो मोड है, वीडियो, फोटो, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड भी आता है दोस्तों, टाइम लैप्स वगैरह है, शॉर्ट वीडियो है जैसे मैंने कहा, अलग अलग फिल्टर्स वगैरह आते हैं, अल्ट्रा HD मोड है, AR शॉट है, प्रो मोड भी आता है, पैनोरमा भी है, टाइम लैप्स भी है, स्लो मोशन भी है, एंड फीचर्स के मामले में एवरीथिंग इज देयर। हाँ, और एक चीज कहना चाहूंगा, पीछे क्वाड LED आपको फ्लैश मिलता है, आगे भी डुअल LED फ्लैश है, तो अंधेरे में वगैरह आप सेल्फी निकाल रहे हो उस 32 MP सेंसर के साथ, थोड़ा ब्राइटन अप करना है, यू कैन डू इट। और हम अनबॉक्सिंग में बात नहीं करते, लेकिन सर्विसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिक्स का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है अगर मैं सर्विस सेंटर्स के बारे में बात करूं, और उनका ऐप भी आता है जिसका नाम है कॉल केयर ऐप। अगर कुछ इश्यूज वगैरह हो गए तो उस ऐप के थ्रू आप इश्यूज रेज कर पाओगे। और चार कलर्स आते हैं दोस्तों इसमें, ब्लू, गोल्ड, ब्लैक, ग्रीन। तो बहुत सारे अगर आप सेल्फीज वगैरह निकालते हो एंड बजट टाइट है आपका, डेफिनेटली, क्योंकि सेल्फी इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इनफैक्ट मैं कहूंगा कैमरा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो इन्फिनिक्स कहा था कि इन तीन चीजों पे फोकस है, डेफिनेटली इन्फिनिक्स हॉट 40i जो है दोस्तों उन तीनों में एक्सेल करता है। बाकी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूं दोस्तों, तो FM रेडियो है, IP53 का सर्टिफिकेशन आता है, सो बाकी सब तो है। वाइड वाइन L3 का सपोर्ट आता है, नॉट L1 HD प्लस स्क्रीन वगैरह, कैमरा 2 MP वगैरह, वो सब चीजें हैं। एंड यस, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स। जी हाँ दोस्तों, यही है इन्फिनिक्स हॉट 40i। डिजाइन आई विल से डेफिनेटली स्टैंड्स आउट, एंड कैमराज और स्टोरेज अगर आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेफिनेटली 256GB वेरियंट अंडर 9,000 इज गुड। परफॉर्मेंस वगैरह ठीक ठाक जरूर कहूंगा, बिकॉज देर आर फोन विद द सेम प्रोसेसर जो इससे भी सस्ते हैं, तो उतना याद रखें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।